सभी लोगों से भिक्षा लेंगे। अभी मामी लोग भिक्षा दे रहे हैं, उसके बाद जितनी भी वहाँ सारी औरतें आई होंगी वो सब लोग उनकी झोली में अनाज डालेंगे, चावल। सभी लोग चावल लेके आए थे तो वो सभी लोग चावल डालते भाई लोगों की झोली में।
चार के चार भाई सभी लोगों के पास जाएंगे। तो आप लोग देखिए कैसे लेते हैं, कैसे क्या होता है सारा आगे का प्रोग्राम। भारी हो जाएगा मेरे को बताना, फिर वहाँ पर लड़ देंगे बाहर जाएंगे बाहर। हम भिक्षाम दे हम मधु जी, बहुत अच्छी बात। अब आ गए हैं बाहर साइड भिक्षा मांगने के लिए। सबसे छोटा भैया बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसका झोला भर चलो, ज्यादा हो गया तो वहाँ ज्यादा हो गया पलट के फिर आ जाओ, ज्यादा हो गया पलट के आ जाना। बाय कर रहे हैं अपने भाइयों को, हम तो जा रहे हैं अपने घर, फिर मिलेंगे जल्दी। तो गाइस हम लोग तो जाने लगे हैं अपने घर को वापस, और आज है 8 तारीख और मामा लोगों का अभी वहाँ कार्यक्रम चल ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मम्मी लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी हुई थी घर को आने की, तो मम्मी और दीदी का बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। मतलब हर किसी को अपने ससुराल की हुई थी, मम्मी को अपने ससुराल की और दीदी को अपने ससुराल की। तो उन्होंने बोला कुछ किसी भी हालत में हमें घर जाना है, तो गाड़ी लेके जा रहे हैं अभी बगल वाले बूबू की, और हमें वो छोड़ेंगे आधे रास्ते तक। वहाँ से हम लोगों को लेने के लिए जिया जी लोग आ रहे हैं। तो आज फाइनली मैं अपने घर जा रही हूँ, और कल का दिन वहाँ रहूँगी, और परसों को फिर अपने ससुराल को चले जाऊँगी। तो अभी हमें छोड़ने के लिए आ रहे हैं ये महाराज, पीछे से मौसी की बेटी है, ये स्कूल के बच्चे भी आ गए, देख सब लोग मिलते रह रहे हैं हमें, और हम पहुँच चुके हैं काफल के पेड़ के नीचे गप्पे मारते मारते। तो चलिए चलते हैं आगे का, और मिलते हैं आप लोगों से आगे जाके। हमारी मौसी तो हमें आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए आ गई, और अब जा रही है वो अपने मायके को वापस। मौसी भी अपने अपने ससुराल को जाएगी अभी। अरे नहीं ये देखो उन भाइयों की तरफ, जीते रहो बाबूजी, खुश रहो खुश रहो, फिर मिलते हैं बाद में। बाय ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे, पता नहीं कितना लंबा ब्रेक होगा। बाय बाय मौसी बाय। पहुंच गए हैं रोड में, आ चुके हैं हमें लेने के लिए। बोल डाल मीनार खत्म होगी, ये देवता का मंदिर आ गया। हम लोग पहुंच चुके हैं पतलोट, और अभी हम रुके हैं दीदी की देवर जी की दुकान में, मिठाई वाली दुकान खोली। ये कल तो मुझे जब हम लोग गए तब तो मुझे दिखाई नहीं दी ये दुकान, लेकिन अभी मेरे को दिखाई दे रही है। तो ये है मेरे जिया जी की दूसरी दुकान, छोटी जिया जी है यहाँ। इसको उठते ही अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे खंसियों। बेटू कौन आया तेरे को लेने? कौन आए? ताऊ आए, ताऊ और अंकल जी। अच्छा ताऊ और ठीक ठीक अंकल जी। क्या लगा है बेटा? पापा की याद आ रही है? पहुँच चुके हैं घर, मतलब मैं खंसी पहुंच गई हूँ, और आज मैं जो है अपने मायके नहीं गई, आज मैं रुकी हूँ दीदी के वहाँ। और यहाँ है इतने ढेर सारे बच्चे, ये मेरी बेटी, और ये कौन है? ये तो निक्कू है, ये मेरी दीदी का बेटा, और ये मेरी दीदी की बेटी। ये छानवी हमारी हमसे मिलने के लिए आई है, इधर आओ, बेटू की दोस्त है ना, इधर आओ प्लीज। छानवी भी ब्लॉग बनाती है ना छानवी? सो गाइस हम लोग खाना पीना खा के सो गए हैं, और
बिस्तर में जाने के बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं और लाइट भी हमने बंद कर दी है, तो फ्लैश की रोशनी मतलब मेरे में आ रही है, मोबाइल का फ्लैश जलाया है मैंने। तो ननिहाल से भी आ गई हूँ, आप कल का दिन बचा है, कल को घर जाना है और फिर उसके बाद परसों को ससुराल चले जाऊँगी। आप लोग बताना आप लोगों को ननिहाल के ब्लॉग कैसे लगे, जनेऊ वाले। थोड़ा बहुत जितना जितना मतलब टाइम में अंदर जा सक रही थी दिखा पा रही थी उतना मैंने दिखाया आप लोगों को, और पूरा तो मैं नहीं दिखा पाई। फिर मिलेंगे कल के नए वीडियो के साथ, कल को बर्थडे है भाई का तो बर्थडे की वीडियो बनाएंगे और ये सब लोग भी आएंगे वहाँ बर्थडे में। आओगे ना, निमंत्रण तो आएगा इनको। तो कल मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।